बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं समरा सलान समराज किचन से। आज हम होममेड आइस लॉली बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी और मज़ेदार सी बन जाएगी। इसके लिए मुझे चाहिए रूह अफ़ज़ा, टैंक, लेमन जूस, 3 ग्लास पानी चाहिए होगा मुझे, 4 कलर चाहिए होगा, ऑरेंज और ग्रीन। अगर आप ये चाहें तो आप ये डालें, अगर नहीं पसंद करते आप उसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चीनी। हम रूह अफ़ज़ा वाले ग्लास में चीनी ऐड नहीं करेंगे, बाकी दोनों ग्लासों में चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें खटास होती है टैंग में भी और लेमन जूस में भी। उसकी खटास को थोड़ा कम करने के लिए मैंने चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून डाली होगी। अब हम वन बाय वन अपनी तीनों चीज़ें यानी कि तीनों फ्लेवर्स अपने पानी में डालते हैं, लेमन जूस, सेकेंड में हम डालेंगे टैंक। टैंक मैंने ऑरेंज फ्लेवर का लिया है यहाँ पे, और रूह अफ़ज़ा आप जामे शेरे भी यूज़ कर सकते हैं, और टैंक का कोई भी फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं छोटी रेसिपी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, जिससे आप झटपट बना लें और मज़ेदार सी भी हो। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब आप लोग प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी सब रेसिपीज़ का पता चलता रहे। सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा हल्का बढ़ जाएगा ऑरेंज कलर, तो इसलिए मैंने इसमें ऑरेंज कलर और ऐड किया है इसमें, ताकि हमारी आइस लॉली दिखने में भी बहुत मज़ेदार सी यमी सी लगे। ये तीनों बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको आइसक्रीम मोल्ड में डाल देती हूँ। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट है। ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसको रख देती हूँ फ्रीजर में। आइस लॉली बिल्कुल हमारी रेडी है, ये आप देखें, मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल देती हूँ। वाह जबरदस्त, ये देखिए कितनी अच्छी सी आराम से निकल कर आ गई है। वन बाय वन मैं इसको निकाल लूंगी, देखिए कितने अच्छे अच्छे से कलर्स लग रहे हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर की ही चीज़ें दूँ, बाहर की कम से कम ही दूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। मेरे बच्चे तो ये चीज़ बहुत शौक से खाते हैं, आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइस पॉप्सिकल बिल्कुल रेडी है, इसको आइस लॉली भी कह सकते हैं और आइस पॉप्सिकल भी, जो भी कहें, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।